हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्राइनिंग एवरीडे। आज मैं आपको दोस्तों मशरूम विद कैप्सिकम बताने जा रही हूँ। शिमला मिर्च और मशरूम की सब्जी जो कि फ्राइड होगी, इसमें मैं मशरूम को और शिमला मिर्च को फ्राई करके बनाऊंगी, यानी कि फ्राइड मशरूम विद कैप्सिकम। इसके लिए हमें एक बॉल मशरूम, ऑर्गेनिक मशरूम का यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है, देखिए, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है। जो बाज़ार में आते हैं जो मशरूम, उससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसे पकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। शिमला मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च और जीरे का पाउडर। तड़के के लिए मैंने यहाँ पचफोरन का इस्तेमाल किया है, जिसमें जीरा, सौंफ, सरसों के दाने, मेथी के दाने और अजवाइन रहती है। अब मैंने यहाँ कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, जिसमें मैं मशरूम को फ्राई करूँगी और मशरूम और शिमला मिर्च को फ्राई कर निकाल लूंगी। उसके बाद फिर मैं इसको मसाला भूनकर इसमें डालूंगी। ये शिमला मिर्च को मैं डाल दूंगी। शिमला मिर्च थोड़ा लाल हो जाएगा तब हम इसमें मशरूम डालेंगे, क्योंकि मशरूम बहुत ही सॉफ्ट होता है, तुरंत पकने वाला होता है। इसमें पहले थोड़ा सा हल्का किनारा आने देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें ये मशरूम को ऐड करेंगे। इसमें अब मशरूम को डालकर फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे इसको, थोड़ी देर बस 5 से 6 मिनट, और इसे निकालेंगे। अब मैं इसे निकाल लूँगी, देखिए भून चुका है। इसमें अब हम तेल डालेंगे मसाला को फ्राई करने के लिए। हमने ऑलरेडी मशरूम को और शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है। मैंने तड़का लगा दिया है। अब देखिए मैं तड़का कर चुका है। इसमें मैं थोड़ी सी मात्रा में मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालकर मिलाऊंगी, और इसमें काली मिर्च और जीरे का पाउडर। ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी, और इसे चुनाव भून लूँगी। अब हमारा मसाला भून चुका है, इसमें हम शिमला मिर्च और फ्राइड मशरूम को डालेंगे। देखिए अभी से ये कितना अच्छा लग रहा है, और इसमें हम साल्ट स्वाद अनुसार, ये अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जिनको अगर ज़्यादा नमक खाना है तो ज़्यादा और कम तो कम। और फिर थोड़ी देर भूनकर हल्का सा इसमें पानी डालेंगे, हल्का सा, क्योंकि फ्राइड हो रेडी है, पका हुआ है, देखिए ये भी पका हुआ है, और हल्का सा इसे भूनकर पानी डालकर तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने पानी थोड़ा ऐड कर दिया है, क्योंकि इतना सा ही है, इसको थोड़ी सा धीमी आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे और बस ये बन जाएगा। ये भी क्विक रेसिपी है, यानी कि कोई मेहमान भी आया होगा और आपके यहाँ ये सामग्री है तो आप झटपट बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ये सब्जी बनकर, इसमें हम लोग धनिया का पत्ता ऐड कर देते हैं, और इसे अब ये बन चुका है। अब हमारा फ्राई शिमला मिर्च और मशरूम तैयार है, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये, और खाने में टेस्टी, इसलिए आप घर पे इसे ट्राई करें और खुद खाएं, और फैमिली को भी खिलाएं, अपने रिश्तेदारों को भी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए